हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे महान हस्ती के बारे में है जो दुनिया के नज़र में तो बहुत ही क्रूर और खूंखार था, पर उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं महान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस हस्ती से एक साधारण आदमी, एक साधारण इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जहां हम अपने आप को एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं, वही इस दुनिया में एक ऐसा हस्ती था जो सारी प्रॉब्लम और सारी बाधाओं को दूर करके दुनिया का सबसे महान, दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बना। मैं बात कर रहा हूँ चंगेज खान की। जी हाँ, चंगेज खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कहानियां छोड़कर चली जाती थी। आज हम इस क्रूर शासक के जीवन, युद्ध कुशलता और अत्याचारों से जुड़ी 12 बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म और बचपन। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान का पिता यंगुसी बागातूर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही तो वह बचपन से युद्ध की बारीकियों को सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया। चंगेज खान के धर्म की बात करते हैं। चंगेज खान के नाम के साथ खान लगा होने के कारण अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि यह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या फिर सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज शब्द का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तुमेजीन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। तुमेजीन जब कागान या जाखान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा की जीवन की शुरुआत बस थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो उसे अपनी जवान पत्नी गायब मिलती है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी बीवी मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,30,00,000 वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे भारत के 10 गुना और पूरे थल भाग का 22% था। चीन से लेकर उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया, हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैल चुका था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज्यादा काम ना आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा ना किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच जाए, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था।
युद्ध में भले ही चंगेज खां की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज खां की सेना की ही होती थी। चंगेज खां को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार से तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियान के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता शहरों को तबाह कर देता और खूब मार काट करता था। एक समय के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती थी। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1219 में ईरान पर हमला कर वहां के 75% आबादी को समूल खत्म कर दिया था। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद की पूरी तरह जलाकर राख कर दी थी। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापिस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान जब चीन की दीवार को भेद कर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आकर आश्रय के लिए मांग की। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खां के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खां की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापिस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खां जिस भी क्षेत्र को जीतता था उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को वह अपने साथ ले जाता था। महिलाओं को वह तरह तरह से सताता था और अपने सैनिकों के बीच बांट देता था। चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खां हजारों का तो नहीं, कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टीशुओं के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा या फिर नानी के नानी के नानी का पिता चंगेज खान था। धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान की पूजा होती थी। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान समावाद पर ही कायम करता रहा और जब भी कठिनाई में होता तो वह नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज को बाज पालने का शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों ही और उसे कहां दफनाया गया था या फिर जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर दुनिया से चला गया। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमें शाही खानदान को बनाया है, अब समय आ गया है कि हम उन लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा। तैमूर और गजनबी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं है कि चंगेज खां एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें से कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में पूरा किया था, वही चंगेज खां अपने विजयी अभियान का शुरुआत अपने बुढ़ापे से शुरू किया था। तो हम कह सकते हैं कि वह एक अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और तैयारी करके करता था। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा?
आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।